कि नौबिहान का चुनावी सफर जो है, चुनावी यात्रा, वो इंडस्ट्रियल एरिया की ओर बढ़ रही है और अब हम इंडस्ट्रियल एरिया के चतरो गांव में पहुंच गए हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वे इस बूथ को दिखाएं। ये उत्क्रमित मध्य विद्यालय चतरो है और चतरो का ये यही गांव है जहां के लोग प्रदूषण से बिल्कुल त्रस्त हैं और इस इलाके के लोगों ने कुछ दिनों पूर्व ही बैठक कर ये घोषणा कर दी थी कि हम जितनी परेशानी में गुजर रहे हैं मतदान का बहिष्कार करते हैं। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों के समझाने बुझाने के बाद यहाँ पर उन लोगों ने वोट बहिष्कार की जो घोषणा की थी उसे वापस लिया, वोट कर रहे हैं। और अभी हमें अपने सहयोगी के साथ आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ लंबी कतार लगी हुई है, वोट हो रहा है। 11 बजे तक गिरिडीह में करीब 30-32% तक मतदान हो चुका है और उसमें इस बूथ का भी योगदान है, यहाँ मतदान हो रहा है। और यहाँ के कुछ लोग हैं, स्थानीय लोग, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। आप लोगों ने यहाँ पर क्या वोट बहिष्कार की घोषणा की थी क्या? जी, क्या आप लोगों ने वोट बहिष्कार की घोषणा की? जी, हम लोग वोट बहिष्कार लेकर किए थे। इसलिए वोट बहिष्कार की घोषणा आपने की? हम लोग जिसे पॉल्यूशन से यहाँ बहुत ग्रस्त हो चुके हैं और लगभग हम लोग यहाँ पे 2000 आपका एक से प्लांट है और हम लोग लगभग यहाँ पे 23 साल से हम लड़ाई लड़ रहे थे और यहाँ पे हमारे विकलांग बच्चे और अस्थमा बहुत तरह का समस्या है जिसके कारण से हम लोग यहाँ पे बहुत संसद है, विधायक है, लोकल विधायक हमारे हैं सुधीर कुमार सोनू है और हमारे जो संसद है चंद्र प्रकाश चौधरी जी, उनके पास भी आवेदन दिए थे और हम लोग प्रशासन जो है SDM साहब हैं उनको भी दिए हुए थे और लगभग लगभग हम लोग लगभग 70 या 75 आवेदन दे चुके हैं, लगभग 2000 ये आपका एक से दे रहे हैं लेकिन कोई तरह का हम लोग को कोई तो इस बार जब आप लोगों ने घोषणा की कि हम लोग वोट नहीं देंगे, वोट बहिष्कार किया, तो फिर क्या हुआ, कौन लोग आए आपको समझाने? जैसे प्रशासन सब आए हुए थे जी, तो SDM सब आए थे और जितने भी उनके जो पदाधिकारी थे सभी लोग आए हुए थे। वो लोग हम लोग आश्वासन दिए कि मतलब 10 तारीख तक हम लोग कंपनी से बात करेंगे, जो उनका प्रबंधक है, उनके मालिक जो है, उन लोगों से बात करेंगे और उन लोगों से हम लोगों ने टाइम लिया है 10 तारीख तक और 10 तारीख के बाद अगर किसी तरह का दिक्कत होता है तो हम लोग उसका सारा जिम्मेवारी हम लोग लेंगे। प्रशासन यही हम लोग आश्वासन दिए हैं कि आप लोग वोट बहिष्कार ना करें, आप लोग वोट दें, आपका अधिकार है, आप लोग वोट देंगे और बाकी जो भी आप लोग का समस्या है, अगला जो थे जैसे भी थे वो लोग समझ लिए, उसके लिए दिक्कत हुई आप लोग को दो मतलब बाई तो अभी अभी आप लोगों को आश्वासन मिला है और आप अभी वोट कर रहे हैं? हाँ, 10 तारीख शांतिपूर्ण तरीके से मतदान। हाँ, हम लोग शांतिपूर्वक से वोट मतलब हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं और जो प्रशासन ओर से हम लोग को जो मतलब मिला टाइम 10 तारीख तक, उसके हिसाब से हम लोग टाइम 10 तारीख तक लिए हैं और हम लोग वोट यहाँ पे शांतिपूर्वक से हो रहा है और बाकी किसी को दिक्कत नहीं है। अगर इस पर अगर हम लोगों का जैसे प्रशासन हम लोग को टाइम दिए हैं, अगर इस पर अगर कुछ तरह का हम लोग को नहीं मिलता है फिर तो फिर आगे हम लोग गेट जाम फिर जाम करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि प्रशासन के आश्वासन के बाद लोगों ने यहाँ पर कहा कि वो वोट बहिष्कार उन लोगों ने वापस लिया और मतदान कर रहे हैं, लेकिन 10 तारीख तक का आश्वासन है और 10 तारीख के बाद ये लोग अगर इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन की रणनीति तय करेंगे। अब मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो हमारे साथ अंदर चलें इस बूथ के अंदर और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है और लोग यहाँ मतदान कर रहे हैं। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है, आप देखिए सुरक्षा के जो जवान हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से तैनात हैं, महिलाएं भी लाइन में लगी हुई हैं, पुरुष भी लाइन में लगे हुए हैं और बिल्कुल शांतिपूर्वक यहाँ मतदान हो रहा है। यहाँ पर जिस तरह से मतदान हो रहा है वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से लोग मतदान कर रहे हैं, अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। काफ़ी धूप है तो लोग छांव में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आप लोग इस गांव में वोट बहिष्कार का ऐलान किए थे, अब वोट दे रहे हैं, क्या आश्वासन मिला था आप लोगों को? आश्वासन मिला है सर कि हम लोग को 10 दिन का टाइम लिया है जी प्रदूषण के लिए जी। उसके बाद बोला प्रदूषण आप लोगों के लिए इस इलाके का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? प्रदूषण 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 ही सबसे बड़ा प्रदूषण जी, और कुछ नहीं। क्या दिक्कत आप लोगों को आती है सर? प्रदूषण इतना फैलता है कि देखिए अब चावल खाने बैठिएगा ना चावल काला हो जाएगा, इतना प्रदूषण है यहाँ पे। कितने दिनों से ये समस्या चल रही है? ये तो बहुत साल से चल रहा है सर, यहाँ पे बहुत आदमी आता जाता है, बोलता बोला हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, हो भी नहीं करता है। तो आप लोगों के लिए क्या आपके लिए यही मुद्दा है सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर प्रदूषण? हाँ, हम लोग प्रदूषण पढ़ रहा सर, प्रदूषण से पढ़ रहे, इसलिए हम लोग प्रदूषण मतलब कंट्रोल करना चाहिए जी। तो आप देख रहे होंगे कि इस तरह से यहाँ पर लोग प्रदूषण को लेकर बोल रहे हैं और हमारे और भी कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं जो कि बताना चाहेंगे। बताइए आपके लिए क्या यहाँ पर क्या सबसे बड़ा मुद्दा है, किस मुद्दे को लेकर वोट देने के लिए आए हैं? सबसे बड़ी समस्या हम लोग का प्रदूषण है। तो आप लोगों ने तो घोषणा की थी कि हम मतदान नहीं करेंगे, फिर तो आप मतदान कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है, लोकतंत्र में मतदान होना चाहिए। प्रशासनिक व्यवस्था करके हम लोग के बीच आ करके प्रशासन बोले हैं कि इसका निदान हम लोग 10 तारीख तक करेंगे, आप लोग मतदान कीजिए
टेंशन नहीं लेना है, 10 तारीख को हम लोग आएंगे और इसका निदान करेंगे, उसी के बाद पर हम लोग मतदान कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या हम लोग को प्रदूषण है। इतने दिनों से प्रदूषण समस्या है और अभी 10 तारीख तक का आप लोगों को वक्त मिला है, क्या आपको लगता है समस्या का समाधान हो जाएगा? हम लोग प्रशासन के ऊपर भरोसा है और आश्वासन प्रशासन दिए हुए हैं कि 10 तारीख तक ले हम लोग का टाइम दीजिए, और 10 तारीख तक ले हम लोग भी टाइम दिए हैं प्रशासन को कि 10 तारीख तो आएंगे SDM ऑफिस और वहाँ पे जब वार्तालाप होगी और उसके बाद वार्तालाप होकर उसके बाद भी फैक्ट्री के ऊपर सब कानूनी कार्रवाई होगी, उसके बाद हम लोग तब माने हम लोग तब आके हम लोग वोट देने के लिए हम लोग इच्छुक हुए। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या है इस इलाके की, अलग अलग इलाकों के अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग मुद्दे हैं, पर इस इलाके की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है प्रदूषण। ये फैक्ट्री का इलाका है, यहाँ कई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं जिनके चिमनियों से लगातार जहरीला धुआं उगलते रहते हैं वो, और उससे प्रदूषण की यह हालात है कि लोगों ने जैसा हमें बताया कि विकलांग बच्चे पैदा हो रहे हैं, खाना उनका दुभर है और कई वर्षों से वे इस समस्या से त्रस्त हैं। इस बार प्रशासन का आश्वासन मिला है, उन्हें आशा है कि उनकी समस्याओं का समाधान होगा और तब वे लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभाने के लिए आए हैं। हमें भी आशा है कि उनकी समस्या का समाधान होगा। नव बिहार के लिए अपने सहयोगी चंदन के साथ आलोक रंजन।